प्रो कोड 15, एक ऐसी जर्नी जो स्टार्ट होती है दो भाइयों के प्यार से, उनका अटूट बंधन, और उसी से इंस्पायर होने के बाद इस बियर का नाम रखा गया है ब्रो कोड 15। घंटा ऐसा कुछ भी नहीं, तो लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, जब दो बंदे बैठते हैं, दो बंदे एक दूसरे को थोड़ा कम जानते हैं, दारू पीने के लिए बैठते हैं, और जब वो इस बॉटल को लेके बैठेंगे, तो जब इस बॉटल को खत्म करने के बाद वो उठेंगे, तो उनके अंदर एक आपसी भाईचारा, आपसी प्यार जो है वो डेवलप हो जाएगा, और उसके पीछे जो रीजन है वो नशा ही है, और नशा ही तो है इस बॉटल के अंदर। इस बॉटल के अंदर जो अल्कोहल कंटेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो आपको मस्त मौला कर देगा। और वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के आज के इस एपिसोड के अंदर। और आज हम जिस बॉटल का रिव्यू करने वाले हैं वो ना तो बियर है ना ही वो वाइन है, मेरा मतलब शायद वाइन भी हो सकती या फिर बियर भी हो सकती या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी है जो कुछ अलग ही दुनिया से आई है। नहीं 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 नहीं, ये वाली तो नहीं हो सकती, लेकिन शायद हो भी सकती है, बताना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बॉटल के रिव्यू में नोजिंग के अंदर टेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को जरूर बता पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू ब्रो कोड 15 के साथ बिना किसी बकचोदी के। तो चलिए इस बॉटल को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। ओके तो ओके, ये आया हमारा ग्लास और ये आया हमारा ड्रिंक। बहुत बढ़िया, ग्लास को हम यहाँ रख देते हैं एंड बॉटल पे जो कैप है उसको वापस लगा देता हूँ मैं। चलिए सबसे पहले जो कलर है कलर की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको कलर दिख रहा है, सुनहरे गोल्डन बाल, कहीं और ही हो गया था मैं। जो कलर है इस ड्रिंक का वो लाइट गोल्डन कलर है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने इसको ग्लास में पोर किया तो फ्रॉथ डेवलप नहीं हुआ है, तो भैया ये तो था पहला सबूत कि बियर तो नहीं है ये। और बाकी नोजिंग के अंदर चेक कर लेते हैं कि आखिर नोजिंग में क्या बोल रही है ये वाली ड्रिंक। ये नोजिंग से पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स काम में लिए गए हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए। तो इसके अंदर डाला गया है ग्रेप वाटर या फिर आप ग्रेप जूस भी बोल सकते हैं, शुगर डाली गई है इसमें, E2O मतलब सल्फर डाइऑक्साइड डाला गया है। और उसको डालने का रीजन ये रहता है दोस्तों कि जो शेल्फ लाइफ होती है ड्रिंक की, मतलब बियर और वाइन में ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि शेल्फ लाइफ है वो जो इंक्रीज हो जाए, वो ख़राब नहीं है, और जो अनडिजायरेबल आरोमा होता है वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए ड्रिंक के अंदर से। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर नेचुरल कलर और नेचुरल फ्लेवर भी डाले गए हैं, तो ये ड्रिंक तो कम्प्लीटली बनी है एलियंस के लिए, मतलब सिर्फ इस दुनिया के इंसानों के लिए नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के इंसान भी इसको ड्रिंक कर सकते हैं यार, बेहतरीन। ग्रेप्स, अंगूर ही अंगूर, और इसके अलावा जो कैरेमल है उसके भी नोट्स मेरे को इसके अंदर से मिल रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द शुगर यूज्ड इन दिस ड्रिंक। और दोस्तों ये इसके जो नोट्स हैं ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वाइन की तरफ, वाइन की तरफ मैं खींचा चला गया हूँ, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो कई बार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि यार वो जो अट्रैक्शन है वो फिनिश हो जाता है, मतलब वैनिश हो जाता है पूरा का पूरा। तो चलिए नोजिंग नोट्स तो कंप्लीट हो गया है, टेस्ट करके देख रहे हैं आखिर टेस्ट क्या बोल रहा है इस ड्रिंक का। फ्रेंड्स, जो टेस्ट है इसका उसको मैं थोड़ा बहुत रिजेंबल कर सकता हूँ वाइन के टेस्ट के साथ। अगेन जो ग्रेप्स हैं मतलब उसका फ्लेवर ही इसके अंदर डोमिनेट कर रहा है हर जगह पे, और फ्लेवर इसका मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ये हार्ड है, थोड़ा बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनको स्ट्रांग जो ड्रिंक्स है वो ज़्यादा पसंद है। अगर मैं आफ्टर टेस्ट की बात करूं तो थोड़ी बहुत सार है, मतलब गले से उतरने के बाद भी जो खटास है वो आपको आपके माउथ के अंदर फील होगी, मे बी उसके पीछे रीज़न ग्रेप्स ही, बिकॉज जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन बेस है इस ड्रिंक का
वाइंड अप में शायद थोड़ा बहुत इसको बोल सकता हूँ बट मैं नहीं बोलूँगा अभी। तो इस ड्रिंक का जो बेस है वो ग्रेप सी, तो रीज़न एक ये भी हो सकता है। तो हुआ टेस्ट और नोजिंग के बारे में, बट मुझे लगता है दोस्तों कि कंपनी को इसको कैटेगराइज करना चाहिए, आइदर इट्स कम इन बियर कैटेगरी और फिर जो वाइन है उस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। उसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कि किसी कैटेगरी के अंदर ही जानी चाहिए। इसका जो नाम है वो है ब्रोकोड 15 क्राफ्टेड ब्रूट। अब ये जो ब्रूट है इसका मतलब होता है ड्राई। तो बेसिकली जो ब्रूट है ये वर्ड यूज़ किया जाता है या तो शैंपेन के लिए या वाइन के लिए। तो भैया कंपनी ने हमको जो अदर झूल है उसके अंदर छोड़ दिया है, भैया मैंने छोड़ दिया बोला है, गलत मत सुन लेना। तो कंपनी ने हमें अद्दर झूल में छोड़ दिया है। तो दोस्तों हमें कुछ बातें याद रखनी है बिफोर यू बाय दिस ड्रिंक। सबसे पहले तो बियर समझ के इसको बिल्कुल भी परचेज मत कर लेना। सेकंडली आप इसको वाइन समझ के ज़रूर परचेज कर सकते हैं। तीसरी बात, 15% अल्कोहल होता है तो सोच समझ के क्वांटिटी है उसको डिसाइड करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 5 बॉटल ले आए, 5वीं बॉटल पी रहे हो तब पहली का नशा होना चालू हो और 5वीं आते आते कई लौड़े लग जाए आपके, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। इसे वाइन की तरह पीजिए आराम से, नज़ाकत के साथ, चिल्ड करके। और जो दोस्तों का जिनका बजट कम है, जो 5-7 बियर परचेज नहीं कर सकते, तो एक दो आप लाइए और उसमें आपका काम हो जाएगा। अल्कोहल बाय वॉल्यूम मैंने बता दिया 15% पे, और इस ड्रिंक की राजस्थान में जो रेट है वो है 230 रुपीज़ फॉर 375 ml क्वान्टिटी। तो यहाँ पे मैं अपने सफ़र को ख़त्म करता हूँ। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको आज का ये सफ़र विथ ब्रोकोड 15, और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें घनी खम्मा सा। चीयर्स एंड जय भवानी।